हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो हम रीड के लिए प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं सोशल स्टडीज़ के लिए। तो आज हम करने वाले हैं नया क्वेश्चन पेपर, ये है 2015 में आया हुआ सोशल स्टडीज़ का सेक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एज होनी चाहिए 30 ईयर्स, ये मिनिमम एज होती है। इससे कम का जो पर्सन होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता है राज्यसभा के सदस्य के लिए। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और बात की जाए अगर लोकसभा की, तो लोकसभा के लिए होती है 25 साल मिनिमम एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स। तो बात की जा रही है, 44वां संशोधन हुआ था संविधान का, तो इसमें ये संशोधन जो हुआ था किस एक प्रधानमंत्री के टाइम पीरियड में हुआ था। तो ये हुआ था मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड पे ये अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द सुप्रीम कोर्ट जज अगेंस्ट हुम द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट वाज स्टार्टेड बट ही कुड नॉट बी इम्पीच्ड। तो सब सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जो कि जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका, क्योंकि वो होता है ना, उसके लिए कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है कि कुछ मेंबर्स होते हैं कि इतने मेंबर्स जब मतलब परमिशन देंगे तभी महाभियोग पास होगा। तो ऐसे ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे वी रामास्वामी। तो प्रक्रिया शुरू हुई थी इम्पीचमेंट की, लेकिन पास नहीं हो पाया था इम्पीचमेंट इनका। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो संविधान में 12 अनुसूचियाँ ही हैं, तो लास्ट वाली के बारे में ही पूछा है हमसे। तो इसमें है नगर पालिकाएँ। तो नगर पालिकाओं को हम एक तरह से स्थानीय सुशासन भी कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं हम नगर पालिकाओं को। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज दैट वाइस प्रेसिडेंट हु डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ, मतलब जो उपराष्ट्रपति के पद पर थे ये, तभी इनका देहांत हो गया था। तो ये उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत, डी ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है। तो हमसे पूछा है पृथ्वी पर जो भी पूरा एरिया है उसका जो स्थल वाला भाग है, जो लैंड एरिया है, वो कितना परसेंट है। तो ये है 29%, और बाकी का बचा हुआ कितना हुआ, ये हम कह सकते हैं 71%। तो 71% एरिया कौन सा है, वो जल का एरिया है, वाटर वाला एरिया होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ज़्यादा एरिया पर पृथ्वी के वाटर बॉडीज़ हैं, महासागर वगैरह हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 29%। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़, तो ये होगी, अभी देख लेते हैं, अभी आंसर अभी नहीं बताते हैं। पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर कुछ लेयर्स मिलती हैं इस तरह से कुछ, तो ये 5 लेयर्स मिलती हैं। अब हमसे पूछिए सबसे नीचे वाली लेयर, ये वाली, तो ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है क्षोभमंडल, सेकंड नंबर की होती है समताप, उसके बाद होती है मध्यमंडल, उसके बाद होती है आयन मंडल, उसके बाद होती है बहिर्मंडल। तो ओजोन मंडल जो है, ओजोन मंडल एक तरह से समताप मंडल को ही कह सकते हैं, क्योंकि जिसमें ओजोन की परत पाई जाएगी उसी को ही बोलेंगे, वैसे अलग से कोई ऐसा कोई नाम तो होता नहीं है ओजोन मंडल, समताप मंडल में ही ओजोन लेयर मिलती है।
तो इसका तो आंसर हो जाएगा सौरमंडल, ट्रोपोस्फेयर। अ कॉमन टर्म यूज्ड फॉर ऑल द ऑक्सीजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस इज, तो सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है वह है, तो ये है अनाच्छादन। तो ये क्या चीज़ है बेसिकली? अनाच्छादन हम बोलते हैं भूपटल पर, मतलब जो पृथ्वी के ऊपर जो ऊपरी जो भाग होता है, पृथ्वी का ऊपरी जो मतलब पटल कह सकते हैं एक तरह से, तो इसमें जो चेंजेस होते हैं उसमें जो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, कई तरह की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, उनका समूह कहलाता है अनाच्छादन। तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें हम दो चीज़ें शामिल करते हैं वैसे बेसिकली, अपक्षय और अपरदन। आपने सुना भी होगा, तो अपक्षय तो कहते हैं हम जैसे चट्टानों को जो टूट फूट होती है उनको हम अपक्षय कहते हैं, और अपरदन हम कहते हैं जैसे पानी और हवा द्वारा जो मिट्टी का जो कटाव होता है ना, भूमि का जो कटाव होता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं चट्टाने आपको कटी हुई मिलेंगी और भूमि ज़मीन आपको कटी हुई मिलेगी। आपने रेगिस्तान में देखा होगा, जो आपने मशरूम रॉक्स देखी होंगी, तो वो भी कुछ इस अपरदन का ही रिजल्ट होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइक्लिक फ्लो ऑफ केमिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट इन बायोस्फीयर इज नोन एज, तो बायोस्फीयर में जीव और पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है जैव भू रासायनिक रासायनिक चक्र के नाम से, बायो जियो केमिकल साइकिल। इसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रॉक, तो बाकी तीन मेटामॉर्फिक रॉक हैं, एक इसमें है नहीं, तो वो कौन सा है? वो है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ये है सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी शैल, तो अवसादी शैल का टाइप है ये लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑब्जेक्ट द इंस्क्रिप्शन ऑफ हरप्पन कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन आर चीफली फोंड, तो हमसे पूछा है हड़प्पा संस्कृति जो है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, उसके अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? तो आपने एक मूवी देखी होगी, अगर आपने देखी है तो मोहनजोदारो, मोहनजोदारो बेसिकली इसी पर बनी हुई है, इसी सभ्यता पर। तो मोहनजोदारो में सबसे ज़्यादा जिक्र किस चीज़ का हुआ है? एक मोहर का जिक्र हुआ है, तो मोहर का जिक्र हुआ है, इसका मतलब है कि ज़्यादातर उसके अभिलेख क्या किस पर मिले हैं? मोहरों पर। तो ये इसकी जो लैंग्वेज है इस वाली सभ्यता की, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो ये मोहरे इसमें आ जाएगा आंसर। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था, तो सेंट्रल प्लेस ऑफ आर्यन कल्चर ड्यूरिंग ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज वाज, तो क्या था? आर्य संस्कृति जो थी जब उत्तर वैदिक काल में, तो उसका केंद्रीय स्थल पूछा है हमसे, मतलब तो जहाँ से ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पर होती थी, प्रशासन तो वगैरह भी हम कह सकते हैं एक तरह से, तो वो था गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, जो आप देखते हैं, ये जो यूपी वाला जो एरिया है, यूपी के आसपास वाला एरिया आप कह सकते हैं, ये गंगा जमुना दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो यही वाला एरिया था। इसके बाद, द ऑथर ऑफ द फेमस बुक एंटाइटल्ड भारत के प्राचीन नगरों का पतन, तो भारत के प्राचीन नगरों का पतन एक नाम से एक बुक है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है रामशरण शर्मा ने, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने एंशंट हिस्ट्री भी लिखी है, इसके बारे में एक बुक है, आप देखते होंगे अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिस्ट्री इन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुई है, बताई हुई है हिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपने देखा ही होगा, जो होता है ये जो मैरिड वुमेन होती हैं, जब ये अलग होती हैं, तो इनका जो होता है निवास और भरण पोषण जो किया जाता है उससे रिलेटेड एक्ट पारित हुआ था, तो ये कौन से ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1946 में, ये 1946 में हुआ था।
सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में श्रेण्य युग किस काल के लिए प्रयुक्त तो होता है, तो क्लासिक एज बेसिकली बोला गया है, तो किस पीरियड को बोला गया है, तो ये बोला गया है गुप्त काल को, ए ऑप्शन आ जाएगा द एज ऑफ गुप्ताज, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है, श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ, तो श्रवण बेलगोला एक जगह का नाम है और वहाँ पर बाहुबली की महान प्रतिमा है, तो इसका हमसे पूछा गया है किस काल में इसका निर्माण हुआ था, तो ये गंग के काल में हुआ था इसका निर्माण। फिर है, द ऑथर ऑफ इंडिका इज, तो इंडिका के ऑथर हैं मेगस्थनीज, बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। फिर है, कंबोज स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया, तो विष्णु मंदिर किसने बनवाया था, ये बनवाया था सूर्य वर्मा आदित्य ने, सेकंड ये सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ये खमेर साम्राज्य था एक, उसके ये शासक थे और खमेर साम्राज्य की राजधानी थी एक्चुअली, तो इसीलिए ये जो अंकोर वाट है ये राजधानी थी इनकी, तो यहाँ पर इन्होंने विष्णु मंदिर बनवाया, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के किस वृहत शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है, तो इसमें ये वर्णन है 13वें शिलालेख में, तो ये अगर बात की जाए इनके शिलालेखों की तो काफ़ी सारे शिलालेख इन्होंने बनवाए थे, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th, 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है, तो ये है इनका उपन्यास घर बाइरे, ये 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन द ईयर, तो हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये बताना है, ये की गई थी 1913 में, 3rd ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिरहम क्या है, तो दिरहम एक तरह का सिक्का है, जिस तरह से अब जो करेंसी चलती है उस तरह से, तो अभी भी ये मुस्लिम कंट्रीज़ में मिल जाएगी, वैसे काफ़ी पुराने टाइम से चल रहा है दिरहम, तो ये जो है ये सिक्का है, दोनों तरह का मिलता है, ये तांबे का भी और चांदी का भी, तो दोनों ऑप्शन इसमें सही होंगे, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं एग्ज़ाम्स में जिसके दो दो ऑप्शन सही होते हैं, तो ये रीट ने भी दो ऑप्शन इसके माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था, तो सबसे लास्ट जो इसका अभियान था वो पूछा है हमसे, ये था कालिंजर के विरुद्ध, तो कालिंजर नाम की जगह थी, वो कालिंजर जो अभियान था वो था इसका लास्ट अभियान, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया, तो सती प्रथा जो थी वो आपको पता ही होगी, जब किसी जो स्त्री का जो हस्बैंड होता था वो अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उसके साथ उसको भी जिंदा जला दिया जाता था, ये थी सती प्रथा, और इसका अंत किया था राजा राम मोहन राय, मतलब राजा राम मोहन राय ने इसके लिए प्रयास किए थे इसको ख़त्म करवाने के लिए, तो एक अधिनियम था जिसके द्वारा इसको ख़त्म किया गया था, वो कौन सा था, ये था नियमन
ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 1829 इसका ईयर था, तो ये हो जाएगा। ये वैसे अगर इसे हिंदी में बोलेंगे, मतलब तो वैसे सिंपल जो अंकों में बोलें अगर इसे, तो ये 17 नंबर होता है। ये रोमन अंकों में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग प्रीएम्बल वाज मेड। तो उस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ था, तो हमसे पूछा है किस वर्ष में हुआ था। तो जो प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की, उसमें एक बार संशोधन हुआ था, वो हुआ था 1976 में, और ये हुआ था 42वां संशोधन, 42वां अमेंडमेंट। और इसमें क्या चेंजेस हुए थे, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, नियुक्ति का वर्ष था। तो नियुक्त कब किया गया इनको, पिछड़ा ओबीसी का अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 1953 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट भी है इस क्लास का, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, कि किसी भी स्टेट का कोई अपना कि एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, वो स्टेट जो होगा वो सभी धर्मों को मान्यता देगा। मतलब ऐसा नहीं होगा किसी एक धर्म को वो पोषित करेगा या फिर बढ़ावा देगा, वो सभी धर्मों को बढ़ावा देगा। तो इसके लिए हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा फोर्थ ऑप्शन, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। तो राज्य ने कोई ऐसा धर्म डिसाइड नहीं किया है कि हमारा जो है हिंदू धर्म होगा या मुस्लिम धर्म होगा, तो ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसकी जिसका जो मन करे वो धर्म को वो माने। तो मतलब लोगों को ये स्वतंत्रता दी गई है और इसे ही धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं। तो इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसके 2015 का एक क्वेश्चन पेपर था, इसका हमने सोशल स्टडीज़ का सॉल्यूशन किया है। 30 क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी के बचे हुए 30 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।